यदि आपके पास मोर्फो या मंत्रा फिंगर बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट डिवाइस है तो आपको अब जान लेना चाहिए क्या आपका पुराने सभी डिवाइस बंद हो जाएंगे। एक बड़ी अपडेट आप सुन पा रहे हैं इजी केस पॉइंट का ऑफिशियल चैनल पे, एक बड़ी अपडेट जो कि L0 और L1 का क्या चक्कर है। L1 और L0 क्या होता है, अभी जो नया डिवाइस आएगा वो L1 के नाम से आएगा। ये जितने भी मोर्फो मंत्रा है पुराने क्या बंद हो जाएंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, निवेदन है ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारे साथ चैनल पे बने रहें और हमारे साथ जुड़ जाएं। अगर आपके पास मोर्फो या मंत्रा फिंगरप्रिंट है तो एक बड़ी अपडेट आपके लिए, इस वीडियो को पूरा एंड तक देख के समझ लीजिए कि पहले जो भी मोर्फो का E1, E2, E3 या फिर मंत्रा का MFS 100 जो आप डिवाइस यूज करते होंगे वो डिवाइस L0 है। क्या है? L0 सिक्योरिटी, जो कि UID के गाइडलाइंस एक नया दिया गया है कि L1 डिवाइस अब चलेंगे। ठीक है, तो L1 डिवाइस क्या है और L0 क्या है, पहले इन चीज़ों को समझ लेते हैं। L0 डिवाइस वो डिवाइस है जो पहले से हम लोग यूज करते आ रहे हैं। तो L1 डिवाइस अभी नया आ गया है। L1 में मंत्रा ने सबसे पहला अभी लाइव किया है, मंत्रा ने उस मॉडल का नाम चेंज करके रख दिया है 110 और L1 जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं L1 फिंगरप्रिंट सेंसर। ये हालांकि मंत्रा MFS 100 के जैसा ही देखने में है, लेकिन ये मंत्रा MFS 100 जो था, मतलब 100 जो था उसको 110 कर दिया गया है। मंत्रा फिंगरप्रिंट देखने में सेम ही है लेकिन इसका मॉडल चेंज कर दिया गया 110। ये डिवाइस अब लगभग 3500 से 3600 के बीच में लगभग प्राइज में मार्केट में अवेलेबल है और अधिकतम 4000 तक भी मिल सकते हैं 3500 से 4000 के बीच में, क्योंकि मार्केट में ये पूरी तरह से अभी नहीं आया है। तो L1 जो डिवाइस है, ये L1 डिवाइस वो डिवाइस है जो न्यू सिक्योरिटी के साथ जो है UID के जो है गाइडलाइंस के अनुसार सभी कंपनियों को या जितने भी बायोमेट्रिक कंपनी है सभी को L1 डिवाइस लाना है। और L0 डिवाइस अभी वर्तमान में चलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बंद हो जाएंगे। अगर आपके पास मंत्रा या मोर्फो कोई भी डिवाइस है पुराना, वर्तमान में फिलहाल चलेंगे, लेकिन अब नया डिवाइस L1 आएगा। धन्यवाद।